हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास सिक्स हिस्ट्री का एक चैप्टर जिसका नाम है द मॉर्न एम्पायर तो इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी इन द कमेंट सेक्शन क्योंकि बच्चों के एग्जाम्स होने वाले हैं सो हेयर आई एम विद द फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर इस पूरे चैप्टर को हम आज की इसी एक वीडियो में ख़त्म करने वाले हैं सो दिस इज़ गोइंग टू बी वन शॉर्ट वीडियो फॉर दिस चैप्टर जिसमें लाइन बाई लाइन हम पूरे चैप्टर को अच्छे से हिंदी में डिटेल में समझने वाले हैं ठीक है सो विदाउट वेस्टिंग एन टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड सबसे पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन है मॉरन एम्पायर के बारे में आई वुड लाइक टू टेल यू समिंग की आपकी जो हिस्ट्री की बुक है उसमें जो टर्म टू का जो पहला चैप्टर था दैट वाज राइज ऑफ किंगडम एंड रिपब्लिक वो मैंने पढ़ा दिया है सेकंड चैप्टर इज द मॉरियन एम्पायर वो हम आज पढ़ रहे हैं ठीक है सो लेट्स कम बैक टू द चैप्टर व्हिच इज इंट्रोडक्शन टू मॉरियन एम्पायर ठीक है जो पहला टॉपिक हमें यहाँ पे पढ़ना है इट इज़ इंट्रोडक्शन टू मोरियन एम्पायर द मोर्ज एस्टैब्लिश द फर्स्ट एवर एम्पायर इन इंडिया जो मौरन एम्पायर था वो इंडिया में शुरू हुआ था और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि भारत का सबसे पहला एम्पायर भारत में जो सबसे पहला एम्पायर स्टैब्लिश किया गया था वो किसने किया था मौर्याज ने किया था मतलब मौर्यन एम्पायर भारत का पहला एम्पायर था जो कि स्टैब्लिश किया गया था ठीक है इसको एम्पायर क्यों कहा गया अच्छा एक बात आपने ध्यान दी होगी लास्ट चैप्टर में मैंने आपको जब पढ़ाया था राइज ऑफ़ किंगडम एंड रिपब्लिक तो मैंने उसमें आपको मगध पढ़ाया था ठीक है उसको क्या कहते थे हम लोग किंगडम कहा करते थे राइज ऑफ किंगडम्स एंड रिपब्लिक्स किंगडम्स पढ़ाया हमने आ, पढ़ाया रिपब्लिक्स पढ़ा है शाक्याज लिछस बट हमने कहीं पर भी एम्पायर अभी तक नहीं पढ़ा क्योंकि एम्पायर सिर्फ उसी चीज़ को कहा जाता है वो किंगडम से बड़ी हो जिसका मतलब मॉडर्न एम्पायर को एम्पायर इसलिए कहा गया बिकॉज इट वॉज मच लार्जर वो काफ़ी हद तक बहुत बड़ी थी आ, बड़ा था वो एम्पायर एज़ कम्पेयर टू तो अ किंगडम जो मॉरेंस थे उन्होंने पहली बार आ, जो सब कॉन्टिनेंट है इंडिया जो है उसको एक सब कॉन्टिनेंट भी कही काफ़ी बार कहा जाता है क्योंकि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन इतने ज़्यादा बड़ा है बड़ी है इस वजह से तो इंडिया को सब कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है ठीक है सब कॉन्टिनेंट्स यहाँ पर मेरा मतलब है इंडिया इंडिया का इतना ज़्यादा जो लार्ज पार्ट है वो पहली बार किसी ने एक ही मतलब इतना सारा एरिया पहली बार कोई एक साथ रूल कर रहा था सेम राज्य राज चल रहा था हर सेम इंसान का राज काफ़ी बहुत बड़े एरिया पे चल रहा था ठीक है ऑफ इंडिया ऐसा काम पहला किसने किया मौर्याज ऐसा काम करने वाले पहले थे अगर मैं सोर्सेज की बात करूं तो जो इंडिका है देखो दो सोर्सेज होती हैं लिटरेरी आर्कोलॉजिकल यहाँ पे ये आई हैव दिस फ्लो चार्ट जो मैंने आपके लिए बना रखा है इससे पढ़ने में आपको बहुत आसानी होगी देखो सबसे पहले टॉकिंग अबाउट द जनरल टर्म सोर्सेज जो सोर्सेज होती हैं वो कई सारी होती हैं बट ब्रॉडली दे आर क्लासीफाइड इन टू सोर्सेज ब्रॉडली किस में क्लासीफाइड होती हैं ब्रॉडली दे आर क्लासीफाइड इन टू लिटरेरी सोर्सेज एंड आर्क्योलॉजिकल लिटरेरी मतलब जो किताबें ताबे तब की अभी तक बची हुई हैं हमें मिली हैं वो आर्क्योलॉजिकल मतलब जो लिटरेरी नहीं होती ऐसे कोई चीज़ हो जैसे फॉर एग्जाम्पल पिलर एडिक्ट वगैरह हो गया कोई पत्थर हमें मिला ऐसी जो चीज़ें होती हैं उनको हम uh, किस कैटेगरी में डालते हैं वी पुट दैम अंडर द कैटेगरी ऑफ आर्किजिकल सोर्सेज ठीक है आई होप इट्स क्लियर अब अगर मैं स्पेसिफिकली मॉडर्न एम्पायर की बात करूँ तो उसमें कौन हमें दो लिट्रेरी uh, सोर्सेज मिले हैं नंबर वन इज़ इंडिका एंड नंबर टू इज़ अर्थशास्त्र इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे पहले थोड़ा सा और लेट्स टॉक अबाउट दी सेकेंड टाइप ऑफ सोर्सेज विच आर आर्क्योलॉजिकल सोर्सेज देखो आर्किोलॉजिकल सोर्सेज जो होती हैं स्पेसिफिकली मॉडर्न एम्पायर में दो पाई गई हैं रॉक और पिलर एडिक्ट जिनसे हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलती है अबाउट दी मॉरन एम्पायर अब जो ये दोनों की दोनों चीज़ें हैं लेट मी टेल यू ये किसकी हैं एम्पर अशोका रॉक एंड पिलर ऑफ एडिक्टर अशोका जो हैं वो भी हमें काफ़ी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करती है अबाउट दी मॉरन एम्पायर अब जो मैंने आपको यहाँ पे आप बताया एक लिटरेरी सोर्स थी इंडिका इट वॉज रिटन बाय वो किसने लिखी थी इट वॉज रिटर्न बाय मैगस्थीन्स और जो अर्थशास्त्र थी वो कौटिल्य ने लिखी थी कौटिल्य यहाँ पे लिखा हुआ है ये किसने लिखी थी ने लिखी थी और नेक्स्ट आता है इंडिका हमें क्या बताती है इंडिका हमें बताती है मॉडर्न पीरियड के दौरान पॉलिटिकल सोशल और इकोनॉमिक क्या कंडीशंस थी पॉलिटिकल मतलब जो जैसे पॉलिटिशियंस होते हैं जो मतलब मेनली द रूलिंग पीपल ठीक है जो राज कर रहे हैं राजा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड ऑल ठीक है सोशल का मतलब जो सोसाइटी कैसी हुआ करती थी इकोनॉमिक मतलब गरीब थे उस वक्त लोग अमीर थे नॉर्मल थे एवरेज थे ठीक है जो अर्थशास्त्र होती है वो डिस्क्राइब करती है किसने लिखी थी कौटिल्य ने लिखी थी एंड इट डिस्क्राइब्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मौर्याज मौर्याज का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसे डिस्क्राइब करती है इसके अंदर जो अर्थशास्त्र जो ये लिचरी सोर्स है इसके अंदर हमें क्या मिले इंस्ट्रक्शंस मिले रूलर्स के लिए इंस्ट्रक्शंस लिखे थे कि कैसे एक एम्पायर को गवर्न करना चाहिए कैसे एक राज्य को चलाना चाहिए ठीक है और ये मैंने आपको बता दिया रॉक एंड पिलर एडिक्स ऑफ एम्पायर अचोगा बहुत इक्वली वैल्यूएबल है और जो मॉरन कॉइंस जो हैं वो भी हमें इस पीरियड के बारे में काफ़ी कुछ बताते हैं तो जो आर्क्योलॉजिकल सोर्सेज हैं इसमें आपको एक चीज़ ऐड कर लेनी चाहिए डोंट वरी आपको जब नोट्स मिलेगा तो उसमें मैं ऐड करके ही दूंगी वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू एज अ रिमाइंडर जो मैं पढ़ा रही हूँ इन स्लाइड्स से मैं हर वीडियो में बताती हूँ इस वीडियो में भी हम टेलिंग जिन स्लाइड्स से मैं पढ़ा रही हूँ ऑल दीज थिंग्स यू विल गेट इन माई इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ माई वीडियो एक लिंक होगी uh, उस पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पर नोट्स दिख जाएंगे सारा तो बार बार आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं है वंस यू वॉच द वीडियो रिवाइज करने के लिए आपको ये जो नोट्स हैं वो बहुत हार्डनी आएंगे बिकॉज इसमें सारी चीज़ें पॉइंट्स में हैं आपकी बुक में सब कुछ पॉइंट्स में नहीं दिया गया है ठीक है सो आई वॉज टॉक अबाउट दि मॉरन काइंस मॉरन कोइंस, ये जो मॉरन कोइंस हैं ये भी एक आर्कियोलॉजिकल सोर्स में आएंगे ठीक है सो दिस इज द फ्लोचारू वॉन्ट आप स्क्रीनशॉट ले लो अदरवाइज नोट्स में मिलेगा टॉकिंग अबाउट चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य जो है इनके uh, जो डेट्स एसोसिएटेड हैं, दे आर थ्री ट्वेंटी वन टू टू नाइनटी सेवन बी सी ई फर्स्ट रूलर ऑफ द डायनेस्टी जो है वो uh, वो कौन थे मॉरेन डायनेस्टी देखो जब हम मॉरन एम्पायर की बात करें तो वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट द मॉरन डायनेस्टी तो मॉरेन डायनेस्टी के जो पहले रूलर थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य उन्होंने धनानंद को ओवर थ्रो किया था धनानंद कौन था मैंने लास्ट चैप्टर में पढ़ाया है द तो लास्ट नंदा रूलर नंदा डायनेस्टी का आखिरी नंदा रूलर कौन था धनानंद था वो बहुत अनपॉपुलर हुआ करता था एंड ऑल दैट थिंग्स ठीक है इसको जो धनानंद थे उसको ओवरथ्रो किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने कब 321 ट्वेंटी वन बी सी में तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो ये पीरियड दिया गया थ्री ट्वेंटी सेवन बी सी वो समय है जब उन्होंने राज किया था ठीक है जिस दौरान वो रूलर थे अपने किंगडम के अपने एम्पायर के सॉरी टू दिस एंड ओवर थ्रो करने तक जो बात थी वो आ, किसने आ, उनको एडवाइस किया चाणक्य ने एडवाइस किया तो ऑल्सो उन्होंने स्कॉटे आप आगे भी पढ़ोगे ठीक है चंद्रगुप्त ने फिर क्या किया उन्होंने मगध को कॉन्कर किया ठीक है मगध को कॉन्कर किया मग मगध में अपनी जो पोजीशन है कंसोलिडेट उसको अच्छे से स्ट्रेंथेन स्ट्रॉन्ग जब कर ली तो उन्होंने ग्रीक गवर्नर को हराया और फिर पंजाब में जो ग्रीक का राज्य था उसको खत्म किया उसके बाद उन्होंने कॉन्कर किया नॉर्दर्न इंडिया के अदर पार्ट्स देखो नॉर्दर्न इंडिया क्या होती है मी टेल यू आई होप आपको डरेक्शन्स पता होंगे ये नॉर्थ हो गया दिस इज साउथ ईस्ट एंड वेस्ट तो इंडिया का जो ऊपर वाला हिस्सा है दैट इज नॉर्थ ठीक है जो ये नॉर्थ वाला हिस्सा है उसको कॉन्कर किया इन्होंने फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने ऑल्सो ब्रॉट जो अलेक्जेंडर ने जब इन्वेड किया था उसके इन्वेशन की वजह से बहुत सारी जो ट्राइब्स थे किंगडम्स थे वो बहुत कमज़ोर हो गए थे क्योंकि काफ़ी सारी जो आफ, फौज थी उनकी आर्मी हुआ करती थी उस किंगडम की वो मर गई थी ठीक है बहुत स्ट्रांग थी क्योंकि अलेक्जेंडर की आर्मी ठीक है सो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न जितने भी अलेक्जेंडर ने जहाँ जहाँ इन्वेड किया था वहाँ की मोस्ट ऑफ जगह जो थी वहाँ के किंगडम्स और ट्राइब्स बहुत कमज़ोर हो गई थी इसी बात का फायदा उठाते हुए चंद्रगुप्त मौर्य ने उन सारी वीकेंड किंगडम्स और ट्राइब्स को भी अपने कंट्रोल में कर लिया ठीक है इन्वेजन ऑफ सेलिकस अब हम सेलिकस की बात करेंगे सेलिकस का पूरा नाम था सेलिकस निकेटर स्पेलिंग प्लीज याद रखना अदरवाइज यू गर ना मे यू आर गो ना मेक अस्टेक ठीक है सेलिकस निकेटर जो थे ये जनरल था एलेग्जेंडर का इन्होंने रूल किया रिवर इंडस के क्रॉस का जो रीजन है ठीक है ही वॉन्टेड टू रिकवर द एरिया ये क्या चाहते थे ये चाहते थे कि एलेक्जेंडर ने जो एरियाज कॉन्कर किए थे जीते थे इंडिया में अपने कंट्रोल में किए थे उन एरियाज को क्योंकि जैसे मैंने बताया चंद्रगुप्त मौर्य ने ले लिए थे अब ये चाह रहे थे कि वापस उन एरियाज को ले ले यानी उस इन एरियाज को रिकवर कर ले ठीक है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इनको शिकस्त मिली मतलब उनको हरा दिया चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलिकस निकेटर को हरा दिया और एक पीस ट्रीटी साइन करवाई ठीक है सेलिकस को चंद्रगुप्त सेलिकस ने जो पीस ट्रीटी साइन करी उसके हिसाब से सेलिकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को ईस्टर्न अफ़गानिस्तान का ईस्टर्न हिस्सा ईस्टर्न अफगानिस्तान बलूचिस्तान और रिवर इंडस के बियॉन्ड जो एरियाज थे वो देने पड़े ठीक है और जो चंद्रगुप्त की जो शादी है वो भी उन्होंने करवाई किससे अपनी बेटी से तो ये सब प्री, आ, जो ट्रीटी साइन करवाई गई थी उसी में था कि ये सारे रीजन्स देने पड़ेंगे और सेलिकस निकेटर की जो डॉटर थी उसको आ, शादी सेलिकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य से करवाई एज पर द ट्रीटी रिटर्न में क्या हुआ सेलिकस को 500 सौ एलिफेंट मिले एन एम्बेसडर ऑफ सेलिकस सेलिकस का एक एम्बेसडर था मैगस्थींस वो चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में बहुत सालों तक रहा और ये मैगस्थींस वही इंसान है जिसने क्या लिखी है इंडिका विच इज अ लिटरेरी सोर्स फॉर मॉरियन एम्पायर कमिंग टू रोल ऑफ चाणक्य मैंने आपको ऊपर बताया था चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता है इनको विष्णु गुप्त भी कहा जाता है ठीक है ये कौन थे ये एक लर्नेड ब्राह्मण थे इन्होंने युन, ये यूनिवर्सिटी ऑफ तक्षशिला में पढ़ाते थे कहाँ पे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में यूनिवर्सिटी हुआ करती थी ठीक है चाणक्य इज़ एबल गाइडेंस उनकी इतनी जो समझदारी थी गाइडेंस उनकी जिस तरह से वो गाइड करते थे उनका जो विजडम जो बुद्धिमत्ता थी उसकी वजह से चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं वो नंदास का जो रूल है उसको खत्म करके मगध को कॉन्कर करने में सक्सेसफुल रहे थे ठीक है जब चंद्रगुप्त रूलर बने वहाँ के मगध के सबसे पहले तो चाणक्य जो हैं वो क्या बने उनके चीफ एडवाइज़र ठीक है उन्होंने चंद्रगुप्त को गाइड किया कि कैसे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको एफिशिएंटली चलाना होता है चाणक्य को ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र के नाम से भी जाना जाता है रीजन बिंग उन्होंने अर्थशास्त्र लिखी थी अर्थशास्त्र क्या है इट इज अ टेक्स्ट बुक ऑन द ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन ऑफ अ रूलर एक जो रूलर होता है राजा होता है उसकी क्या ड्यूटीज होती हैं और क्या उसकी ऑब्लिगेशंस होती हैं एज अ रूलर उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए कैसे पूरे जो उसका एम्पायर है किंगडम है रीजन है उसको कैसे गवर्न करना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में काफ़ी सारी चीजें इस किताब में हैं ठीक है टॉकिंग अबाउट uh, बिंदुसारा बिंदुसारा जो है uh, वो कौन थे चंद्रगुप्त के बेटा था uh, टू नाइन्टी सेवन टू टू सेवेंटी थ्री बी सी तक इन्होंने रूल किया ठीक है चंद्रगुप्त को सब्सीडे सक्सेडेड मतलब चंद्रगुप्त के बाद कौन आ, उनकी जगह किसने ली उनके बेटे बिंदुसारा ने ली और बिंदुसार जाता है मोस्टली ठीक है टू नाइन्टी सेवन टू सेवेंटी थ्री बी सी इनका रेन था रूल मैंने अभी आपको बोला रेन बारिश वाला नहीं ये वाला आर ई आई जी एंड रेन अंडर हिम बिंदसारा के अंडर क्या हुआ जो मोरन एम्पायर था वो होल ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट तक स्ट्रेच कर गया और ज़्यादा इन्होंने अपना जो एम्पायर है वो बड़ा कर लिया बस कुछ जगह रह गई थी आ, कलिंगा जो कि आज के समय में ओडिशा कहलाया जाता है उस वक्त कलिंगा हुआ करता था आ, उस रीजन को नहीं आ, ये अपने अंडर कंट्रोल में कर पाए और साउथ में जो कुछ किंगडम्स थे वो बच गए थे उसके अलावा सारा का सारा इंडियन सबकॉन्टिनेंट मौर्य एम्पायर के अंडर कंट्रोल में आ गया था जो मौर्यास थे उनके फ्रेंडली रिलेशन थे किसके साउथ के किंगडम्स के साथ एम्पायर अशोका की बात करी जाए तो इनका रेन रूल रहा कब से 273 से 232 थर्टी तक इन्होंने थ्रोन को कब असेंड किया थ्रोन पर ये कब बैठे मतलब कब इन्होंने एक तरह से कब ये राजा बने 273 सेवेंटी में ठीक है भारत के जो महान योद्धा रहे हैं रूलर्स रहे हैं उनमें से एक ये हैं राजा जो रहे हैं महान राजा उनमें से एक थे एम्प्रर अशोका इन्होंने एक्सटेंड करी एम्पायर की बाउंड्रीज और उसको बहुत अच्छे से गवर्न भी किया ठीक है जो रॉक एंड पिलर एडिक्ट एम्प्रर अशोका के ये भारत के बहुत बड़े लार्ज काफी एरिए तक काफी बड़े हिस्से तक जो स्प्रेड हैं ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं फॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं अशोका के रेन की उन्होंने कैसा राज किया जब वो राज कर रहे थे तो उन्होंने क्या इंप्रूवमेंट्स किया एंड ऑल ऑफ थिंग्स बात कलिंगा वॉर की तो ये 261 सिक्सटी में हुआ था ड्यूरिंग अशोकाज रेन ठीक है तो अशोका जब रेन कर रहे थे जब इनका राज चल रहा था उस दौरान कलिंगा एक लौता ऐसा किंगडम थी इट वॉज दी ओनली किंगडम जो कि मॉडर्न कंट्रोल में नहीं था कलिंगा जो है देखो ये, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट तो मैंने यहाँ पे स्टार लगाया ठीक है ठीके? कलिंगा जो है वो स्ट्रैटेजिकली इम्पॉर्टेंट था क्यों बिकॉज इट कंट्रोल्ड द लैंड एंड सी रूट्स टू साउथ इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया जो साउथ इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया तक पहुँचाने वाले जो लैंड एंड सी रूट्स थे उसको कंट्रोल करता था कलिंगा और इसी वजह से ये स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट था 261 B.C.E में अशोका ने अटैक किया कलिंगा को और एक बहुत फियर्स भयानक फियर्स मतलब भयानक बहुत खौफनाक बहुत मतलब बहुत ज्यादा तबाही मची थी भयानक बैटल के बाद जंग के बाद उन्होंने उसे जीत लिया कौकर कर लिया कलिंगा वॉर जो है ये जो अशोका राजा हैं इनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था जिससे इनकी ज़िंदगी काफ़ी हद तक मुड़ गई काफ़ी चेंज हो गई जो डेथ डिस्ट्रक्शन और सफरिंग उन्होंने देखी वॉर में वो उनके दिल पे लग गई बहुत उनको गहरे आ, दिल पे लगी उनको बहुत टच की इस बात ने कि कितना ज़्यादा डेथ कितने लोग मारे गए कितनी तबाही मची और कितने लोगों ने सफ़र किया ये जो की हैं आपको पता नहीं चाहिए डेथ डिस्ट्रक्शन एंड सफरिंग दैट इज सॉ इन द वॉर वो इतनी उनको टच करी कि उन्होंने ये कसम खा ली वाओ ही वाउड कि अब वो कोई भी जंग नहीं लड़ेंगे कलिंगा वॉर के बाद अशोका ने बुद्धिज्म को एम्ब्रेस किया उसको बुद्धिज्म जो धर्म है उसको अपना लिया और उन्होंने डिवोट किया खुद को टू द वेल वेलबींग ऑफ एस पीपल अपने जो लोग हैं उनकी मदद करने में उनका ध्यान रखने में उनको सपोर्ट करने में और uh, उन्होंने अपने आप को डिवोट कर दिया पूरी जिंदगी फिर वो यही काम करते रहे और उन्होंने एक भी और जंग नहीं लड़ी बिकॉज ही हैड वॉड नॉट टू डू सो बुद्धिज्म से इट रिमाइंड्स मी समथिंग नॉट रिलेटेड टू द चैप्टर देखो आई हैव बीन गेटिंग अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट कि प्लीज जो ग्रेट प्रीचर्स चैप्टर है आप ही लोगों का क्लास हिस्ट्री का जिसमें बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों रिलिजन से उन्हें कवर करवाया जाए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि वो अभी तक आप लोगों को अवेलेबल नहीं हो पाया बट बिलीव मी आई एम वर्किंग ऑन इट एंड वेरी सून यूल हैव इट ऑन माई चैनल ठीक है सो डोंट वरी जिनको भी वो चैप्टर पढ़ना है जस्ट फ गेट दैट चैप्टर बाकी जो आपने प्रिपेयर करना है अपने एग्जाम्स के लिए कर लो आई वुल इन्श्योर कि मैं आपको वो चैप्टर बाई दी एंड ऑफ नवम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री अवेलेबल करवा दूँ ठीक है सो बस आई जस्ट वॉन्टेड टू मेक इट क्लियर टू यू सो दैट आप बाकी चीज़ें पढ़ पाओ एंड डोंट टेक स्ट्रेस अबाउट कि ये वाला चैप्टर मैंने नहीं करा रखा है आई विल गेट इट डन ठीक है कमिंग बैक टू द चैप्टर अब हमने यहाँ पे देखा कि जो कलिंगा वॉर है uh, इन, uh, इसके बाद जो अशोका है उन्होंने बुद्धिज़्म को एम्ब्रेस कर लिया और अच्छे काम करते हैं उन्होंने अपनी जिंदगी बिता दी अब एक चीज़ आती है अशोकाज धम्मा जो वर्ड धम्मा है ये एक प्राकृतिक वर्ड है uh, संस्कृत टर्म धर्म के लिए यूज किया जाता है संस्कृत में एक शब्द है धर्म जिसको हम ऐसे लिखते हैं धर्मा लास्ट में ए आता है तो जो धर्म शब्द है इसके लिए एक प्राकृतिक प्राकृतिक जो वर्ड है इट इज धम्मा जिसका मतलब क्या होता है रिलीजियस ड्यूटी मैं धर्म की बात करूं या मैं धम्मा की बात करूं दोनों वर्ड्स का मतलब जो है वो क्या है रिलीजियस ड्यूटी कॉन्क्वेस्ट थ्रू वॉर यानी दिग्विजया जंग लड़के जीतने की जो पॉलिसी थी उन्होंने उस पॉलिसी को दिग्विजया जो पॉलिसी थी उसको त्याग दिया उसको छोड़ दिया और पॉलिसी ऑफ कॉन्क्वेस्ट थ्रू धर्म धर्म विजया उन्होंने पॉलिसी अपना ली देखो विजया दोनों में है जीत दोनों में रहे हैं बस दिग्विजया में जंग से जीत रहे हैं जीत रहे थे जिस पॉलिसी को उन्होंने अब त्याग दिया उन्होंने छोड़ दिया और अब जो नई पॉलिसी उन्होंने अपनाई जो फॉलो करा उन्होंने अपनी बाकी की जिंदगी इट वॉज़ पॉलिसी ऑफ कॉन्क्वेस्ट थ्रू धर्मा जिसको धम्म विजय कहा जाता है धर्म के अनुसार उन्होंने जीत हासिल करी स्प्रेडिंग धम्मा जो धर्म है धम्मा को बहुत लोगों को तक पहुंचाना अशोका का एक मात्र गोल बन गया लाइफ में ठीक है धम्मा के प्रिंसिपल्स की बात करी जाए तो एडिक्ट ऑफ अशोका जो है वो बताते हैं कि अशोका के क्या आइडिया से धम्मा के बारे में ये कोड ऑफ कंडक्ट था मॉरल वैल्यूज जो कि जो गौतम बुद्ध है उनकी टीचिंग से इंस्पायर्ड था ठीक है धम्मा के थ्रू जो अशोका हैं वो चाहते थे कि उनके जो लोग हैं उनके राज्य के जो लोग हैं उनके अंदर एक स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस हो किसी चीज़ को बर्दाश्त करने की उनके अंदर हिम्मत हो स्पिरिट हो को एग्जिस्टेंस मतलब आसपास के जो लोग हैं उनसे जलन ना करें झलस ना हो और अच्छे से साथ में को एग्जिस्ट करें आ, साथ साथ लोग जब रहें तो दुख ना हो बल्कि वो लोग और खुश खुशी से रहें ठीक है नॉन वायलेंस मतलब जंग ना लड़ें वायलेंस ना करें शांति से बस अपना जीवन गुजारें और जो बड़े हैं उनको रेस्पेक्ट करें ठीक है ये कुछ चीज़ें हैं जो धम्मा के थ्रू अशोका अपने आ, पीपल में इंस्टॉल करना चाह रहे थे ठीक है अब अच्छे से डिटेल में डीप में बात करी जाए तो उन्होंने जो अशोका है उन्होंने अपने सब्जेक्ट्स को कहा कि उन्हें सच बोलना है स्पीक द ट्रूथ बाकी जितने भी धर्म हैं आप भले हिंदू धर्म से हैं। बाकी सारे धर्म सिख धर्म हो गया क्रिश्चानिटी है आ, इस्लाम है ये सारे रिलीजन्स की आपको रिस्पेक्ट करनी है इज्जत देनी है और उनके बारे में बुरा भला नहीं कहना है बिकॉज एट दी एंड वो कहते हैं ना गॉड इज़ जस्ट वन दर इज़ वन गॉड और हमने इस आ, भगवान को नाम दिए हुए हैं ठीक है बैक टू द चैप्टर फोर उन्होंने कहा कि अहिंसा का जो पाथ है वो फॉलो करें अहिंसा से यहाँ पे मतलब है नॉन वायलेंस यहाँ पे मैंने लिखा भी है दैट इज नॉन वायलेंस मैं बड़ा बड़ा नॉन वायलेंस लिख रही हूं ठीक है नॉन वायलेंस एंड नॉन इंजरी नॉन वायलेंस के साथ साथ नॉन इंजरी भी आती है अहिंसा में टू ऑल लिविंग क्रिएचर्स चाहे चींटी ही कहना से जैनिज्म धर्म में एक चीटी का मर जाना भी एक पाप माना जाता है ठीक है सेम थिंग कोई भी क्रीचर हो उसको आ, कोई नुकसान न पहुंचाना नॉन वायलेंस के साथ रहो और नॉन इंजरी के साथ जो गरीब है उनको चैरिटी देते रहो बी चैरिटेबल टू तो द पुअर सर्वेंट्स हों स्लेव्स हों काइंड रहो सबके साथ दया का भाव रखो जो एल्डर्स हैं उनकी बात मानो ओबे करो रेस्पेक्ट करो इज्ज़त दो और साथ में पीसफुली शांति और सुकून से ज़िंदगी गुजारो वेलफेयर मेजर्स की बात करी जाए तो अशोका जो है वो अपने जो लोग हैं उनके वेलफेयर के बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्नड थे कि वो कैसे वेल बीइंग कह सकते is nothing but well -being. उनकी हैं वेलफेयर इज़ नथिंग बट वेल बीइंग उनके जो एडिक्ट उनमें से कई सारे एडिक्स में से एक एडिक्ट में वो कहते हैं ऑल मैन आर माई चिल्ड्रेन सारे जो लोग हैं मेरे राज्य के वो मेरे क्या है ऑल मैन मतलब जितने भी लोग हैं जितने भी हैं मैन से यहाँ पे सारे लोग आते हैं आर माई चिल्ड्रेन एंड जस्ट एज आई डिज़ायर फॉर माई चिल्ड्रेन और जैसा मैं अपने बच्चों के लिए चाहता हूँ कि उनको वेलफेयर और खुश वेलफेयर और हैप्पीनेस वेलफेयर के साथ साथ खुशी इस दुनिया में और अगली दुनिया में मिले वैसे ही मैं सारे लोगों के लिए डिज़ायर करता हूँ ऑल मैन आर माई चिल्ड्रेन एंड जस्ट एज आई डिजायर फॉर माई चिल्ड्रेन दैट देन वेलफेयर एंड है कुछ वेलफेयर मेजर्स जो कि अशोका ने लिए हैं वो क्या क्या थे अशोका ने अच्छी सड़कें बनाई uh, ट्रीज को प्लांट किया रोड है उसकी दोनों तरफ ट्रीज प्लांट करी uh, पेड़ पौधे लगाए जो uh, ट्रैवलर जिनको मुसाफिर कहा जाता है ट्रैवलर जो एक दूसरी जगह ट्रेवल कर रहे होते हैं Uh, उनको uh, उनके लिए रेस्ट हाउसेस कंस्ट्रक्ट करवाए बहुत सारे हॉस्पिटल्स लोगों के लिए भी और जानवरों के लिए भी उन्होंने बनवाए रेगुलरली वो टूर्स पे जाते थे और जो अपने सब्जिक्स हैं जो उनके राज्य के जो लोग हैं उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करते थे स्प्रेड ऑफ धम्मा की बात करी जाए तो अशोका जो हैं वो चाहते थे वॉन्टेड पीपल टू अंडरस्टैंड धम्मा वो चाहते थे कि धम्मा को आ, लोग समझें और अपनी डेली लाइफ में उसको फॉलो करें उन्होंने धम्मा को स्प्रेड करने के लिए बहुत सारे आ, स्टेप्स लिए जैसे कि अशोका जो थे ना वो एग्जाम्पल के थ्रू लेड करते थे जो धम्मा के प्रिंसिपल्स वो बाकी लोगों को एडवाइस करते थे सेम प्रिंसिपल्स वो अपनी खुद की डेली लाइफ में भी फॉलो किया करते थे फॉर एग्जाम्पल उन्होंने ये बात मना कर फॉरबेड द किलिंग ऑफ पीकॉक्स किलिंग ऑफ पीकॉक्स को फॉरबेड से समझ लो आप मना करना या फिर सिंपली बैन कर दिया था पीकॉक्स और डियर का काटना फॉर द रॉयल किचन रॉयल किचन में पकाने के लिए डियर और यानी हिरन और मोर पीकॉक उनका मारोगे तभी तो बनेगा एज नॉन वेज तो वो चीज़ जो है उन्होंने फॉरबेड कर दी थी मना कर दी थी बैंड इट अलाउड ही नहीं था उनके रॉयल किंगडम में अशोका ने ऑफिशियल्स अपॉइंट किए जिनका नाम था धर्म महामत्रांस जिनका काम क्या था धम्मा को स्प्रेड करना जो ये ऑफिसर्स थे ये जगह से एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और धम्मा का जो मैसेज है वो स्प्रेड करते थे कुछ जो आ, ये ऑफिशियल्स थे ये इवन श्रीलंका साउथ ईस्ट एशिया सेंट्रल एशिया और इजिप्ट तक चले गए जो अशोका थे उन्होंने बहुत सारे जो एडिक्ट वो इशू करे जिसके अंदर क्या है धम्मा के प्रिंसिपल्स हैं एडिक्स जो है वो डिस्क्राइब करते रिफॉर्म जो कि अशोका ने कैरी आउट किए और जो मॉरल प्रिंसिपल्स वो एनकरेज करते थे ठीक uh, uh, है द लैंग्वेज जो कि मोस्ट ऑफ द एडिक्स के लिए यूज करी गई थी वो प्राकृतिक प्राकृतिक प्राकृत लैंग्वेज थी विच इज अ लैंग्वेज जो कि जो मासेस यानी कॉमन पीपल बोलते हैं स्पोकन बाय द कॉमन पीपल तो कॉमन पीपल जो भाषा बोला करते थे उसी वो भाषा थी प्राकृत और इसी भाषा में मोस्ट ऑफ दी जो एडिक्ट्स हैं वो लिखे गए थे और जो ये थे ये रॉक्स और पिलर्स में एनग्रेव कर दिए गए थे समझ लो, जड़ दिए गए थे उसमें अशोका पुटअप दीज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हिज एम्पायर अपना जो राज्य था एम्पायर था उसके डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे अशोको ने ये एडिक्ट किए जनरली खास तौर पे जब पब्लिक प्लेसेस होती थी जैसे कि मार्केट्स टेंपल्स जहाँ पे बहुत ज्यादा नंबर ऑफ पीपल गैदर हुआ करते थे वहां पे उन्होंने ये जो एडिक्स हैं वो लगाए ठीक है जो ये एडिक्ट कहाँ कहाँ पाए गए हैं आज की तारीख में दे आर फाउंड इन इंडिया पाकिस्तान अफगानिस्तान एंड नेपाल ठीक है एडमिनिस्ट्रेशन की बात करी जाए मॉरन एम्पायर की जो मॉरन एडमिनिस्ट्रेशन है उसको चार हेड्स में पढ़ा जा सकता है तो अगेन मैं एक फ्लो चार्ट बना रही हूं एडमिनिस्ट्रेशन लोगों को लगता मुश्किल है मॉरन एम्पायर का बट इट्स नॉट दैट इजी बहुत सिंपली समझाने की आपको कोशिश करूंगी ठीक है विना टॉक अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन चार हेड्स होते हैं मॉरन एम्पायर की हर एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग होता है हाँ सिमिलैरिटीज़ होती हैं बट डिफरेंसेस भी हैं। होते हैं चार हेड्स होते हैं नंबर वन इज सेंट्रल ये एकदम मेजर हुआ करता था इसमें पूरा राज्य आता था फिर सेकेंड नंबर पर वी हैव प्रोविंस देन वी हैव डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जो सेंटर हुआ करता था उसके साथ अंदर काफ़ी सारी प्रोविंस हुई करती थी आई एम मेक अ डाइग्राम जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा डिस्ट्रिक्ट एंड देन फोर्थ एंड द स्मॉलेस्ट हेड विच इज विलेज देखो होता कुछ यूं था कि uh, just a minute, I'll draw it here. See, मानो ये पूरा का पूरा जो एरिया है ये मोरियन एम्पायर का एरिया है तो ये जो पूरा है ये सेंट्रल है ऑल right इसके अंदर काफी सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है और जो जगह है इट्स डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस। प्रोविंस रादर आई डू इट दिस वे सी दिस से एक प्रोविंस ये थी एक प्रोविंस ये थी एक प्रोविंस ये हो गई तो इस तरह से कर करके जो राज्य था ये काफी सारी प्रोविंसेस में डिवाइडेड था अब एग्जैक्टली exactly तो वी डो नॉट नो कि क्या था और ना ही आपके सिलेबस में है जस्ट इमेजिन कि मान लो एक दो तीन चार ये चार प्रोविंसेस थी अब जो हर एक प्रोविंस थी इनके अंदर क्या हुआ करते थे डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे ऑल राइट नाउ आई एम मेकिंग इट विद ब्लू तो यहां पे एक हो गया डिस्ट्रिक्ट uh, मान लो इस uh, प्रोविंस में दो डिस्ट्रिक्ट आ गए तीन इस प्रोविंस में आ गए ठीक है सिमिलरली यहाँ दो यहाँ पे चार आ गए ठीक है यू नेवर नो हो सकते हैं अब हर एक जो मैंने यहाँ पे क्या बनाया मैंने हर एक क्या बनाया डिस्ट्रिक्ट हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कई सारे विलेजेस होते होंगे एक विलेज ये हो गया एक ये हो गया ठीक है मैं आपको सिर्फ एक ही प्रोविंस uh, एक ही डिस्ट्रिक्ट में बनाकर दिखा रही हूँ विजेज क्योंकि अदरवाइज टेक अ लॉट ऑफ टाइम आई होप अब आपको ये बात समझ में आ गई हो जो ग्रीन से मार्क किए दैट इज असेंशल जो पर्पल से मार्क है इट्स द प्रोविंस एंड द वन विच इज मार्क् विद ब्लू दर द डिस्ट्रिक्ट एंड जो येलो से मार्क किए हैं सिर्फ दो डिस्ट्रिक्ट में दे आर विलेजेस आई होप अब आपको समझ में आया हो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन को हम चार हेड्स में पढ़ते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट सॉरी प्रोविंशियल प्रोविंस कह लो या प्रोविंशियल कह लो इट्स द सेम प्रोविंशियल डिस्ट्रिक्ट एंड विलेज कैपिटल सिटी ऑफ पाटली पुत्र मॉर्न एम्पायर का कैपिटल क्या था पाटलीपुत्र था उसको अलग से एडमिनिस्ट्रेट किया जाता था बाकी सारा जो था एक साथ किया जाता था अंडर द सिस्टम ऑफ फोर हेड्स सेंट्रल की बात करप्रीम अथॉरिटी हुआ करता था वो सारे डिसीजन लेते थे कंसर्निंग द एम्पायर के बारे में जितने भी डिसीजन थे इंपॉर्टेंट डिसीजन वो लेते थे Uh, उनको असिस्ट कौन करता था एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जिनको मंत्री परिषद कहा जाता था वेरियस ब्रांचेस थी एडमिनिस्ट्रेशन की uh, जो एडमिशन की अलग अलग ब्रांचेस थी uh, वो अलग अलग ऑफिशियल्स के अंडर थी जिनका नाम था अमत्याज ठीक है uh, जब मैं प्रोविंशियल की बात करती हूँ या प्रोविंस की बात करती हूँ तो एम्पायर जो है वो प्रोविंस में डिवाइडेड था और हर एक प्रोविंस का हेड कौन होता था एक प्रिंस होता था तो जितने प्रिंस Uh, उतने प्रोविंसिस ठीक है ही रूल्ड जो प्रोविंस uh, राजा था सॉरी प्रिंस जो था वो प्रोविंस को रूल करता था एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द किंग किंग की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव है और उसको भी बहुत सारे ऑफिशियल uh, जो है वो असिस्ट करते थे डिस्ट्रिक्ट में बात करी जाए जो प्रोविसेज थे उनको फर्दर डिवाइड किया गया था इंटो डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट का जो हैड था उसका नाम था प्रदेष्टा उसको जूनियर ऑफिशियल असिस्ट करते थे जिसका नाम होते थे युक्ताज एंड राजू काज वो मेजर करते थे लैंड को टैक्स कलेक्ट करते थे और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते थे बहुत सारे जो विलेजेस थे वो मिलकर मनाते थे एक डिस्ट्रिक्ट जो विलेजर्स होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को असिस्ट करते थे किस में बाउंड्रीज को मार्क करने में लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने में और टैक्सेस कलेक्ट करने में हर एक विलेज में एक हेडमैन हुआ करता था जो कि विलेजर्स खुद से चूज करते थे सिटी ऑफ पाटलिपुत्र की इफ आई टॉक अबाउट पाटलिपुत्र जो था वो एम्पायर का कैपिटल था वुडन वो वॉल से एक सराउंडेड था जिसकी 64 गेट्स थे इमेजिन एक ऐसी वुडन वॉल जिसकी 64 गेट्स और 570 सेवेंटी टार्स थे ऐसा जो वुडन वॉल था उससे सराउंडेड था पाटलिपुत्र का शायद कैपिटल था तो यहाँ पे अटैक कोई ना कर पाए बहुत ज़रूरी था देर वॉज ऑल्सो अ मोट अराउंड दिटी सिटी के अराउंड एक मोट हुआ करता था टू प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनिमी अटैक्स थर्टी में जो कमिटी थी वो पूरे शहर को देखा करती थी लुक डॉक्टर द सिटी जो कमिटी थी इट वॉज डिवाइडेड इंटू सिक्स बोर्ड कम्प्राइजिंग फाइव मेंबर्स ईच इसको कुछ यूं समझो कि पाटली पुत्र सिटी है ठीक है इट इज डिवाइडेड इंटू कमिटी अब जो ये कमिटी है इसमें कितने लोग हैं थर्टी मेंबर्स कमिटी ऑफ थर्टी ये कमिटी है इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सिक्स ग्रुप्स और आदर आई मेक इट लाइक दिस सिक्स ग्रुप्स में ये जो कमिटी है इसको डिवाइड की गई थी और ग्रुप्स की बजाय आई गेस द मोर प्रफरेबल वर्ड शुड बी बोर्ड्स सिक्स बोर्ड्स ठीक है ना फू डू द मैथ आपको ये पता चलता है सिक्स बोर्ड्स का मतलब फाइव मेंबर्स पर बोर्ड हर बोर्ड पर कितने मेंबर्स थे पाँच बोर्ड पाँच मेम्बर्स थे देर यू गो यहाँ पे आपका ये फ्लो चार्ट है विच यू कैन टेक अ स्क्रीन शॉट ऑफ इफ यू वॉन्ट टू नाउ वी कम टू सिटी ऑफ पुत्र का थोड़ा सा डिटेल हम जानेंगे हर एक जो बोर्ड था वो अलग अलग डिपार्टमेंट को लुक आफ्टर करता था कौन कौन से डिपार्टमेंट है ये यहाँ पे लिखा हुआ है कंफर्ट और सिक्योरिटी फॉरेनर्स के हिसाब से एक था एक था रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ इंडस्ट्री ट्रेड एंड कॉमर्स इंस्पेक्शन ऑफ मैनुफेक्चर गुड्स एंड कलेक्शन ऑफ टैक्सेस ये जो हैं ये छः डिपार्टमेंट्स हैं हर एक जो बोर्ड हुआ करता था वो एक डिपार्टमेंट उसको असाइन किया जाता था और उस डिपार्टमेंट के तरफ वो वर्क करता था मोह्राज की एक बहुत बड़ी स्टैंडिंग आर्मी हुआ करती थी जिसमें इन्फेंट्री क्या वो री फेंस चार्स एंड नेवी सब कुछ होता था सेपरेट डिपार्टमेंट था जो कि किसको देखता था आफ्टर दी प्रोडक्शन ऑफ वेपन्स जो हथियार बनते हैं प्रोडक्शन ऑफ वेपन्स उसको देखने के लिए एक अलग सा डिपार्टमेंट था सेपरेट डिपार्टमेंट था जो राजा हुआ करता था वॉर्स में जो ट्रूप्स होते हैं उनको खुद से वो लीड किया करते थे और जो आर्मी का हेड था वो सेनापति था इसके बावजूद जो राजा थे वो ट्रूप्स में वॉर्स में ट्रूप्स को लीड करते थे आगे से मोस्टली और जो आर्मी था इट वाज इक्विप्ड उनके पास वेपन्स थे जैसे कि बोस स्वॉर्ड्स आर्मर्स और शील्ड्स आर्मी आ, एनिमी अटैक से एम्पायर को डिफेंड करके रखती थी और साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन भी करती थी ऑफिसर्स और सोल्जर्स थे वो वेल well ट्रेन्ड थे और उनको रेगुलरली पेमेंट दी जाती थी सैलरी दी जाती थी रेगुलरली दे वो पेड स्पाई सिस्टम की बात करें तो जो मॉडर्न रूलर्स थे उनका एक एफिशिएंट स्पाई सिस्टम था जो कि बहुत सारी जो औरतें हुआ करती थी एंड वर पोस्टेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री Uh, कंट्री से यहाँ पे मतलब जो राज्य उनका हुआ करता था उसके अलग अलग जो पार्ट्स थे उसमें काफ़ी सारे स्पाइस को uh, भेज करते थे और जिसमें से मजॉरिटी ऑफ द स्पाइस वो वुमेन दे इन्फॉर्म द किंग जो uh, स्पाइस हुआ करती थी वो राजा को बताती थी अबाउट द डेवलपमेंट जो किंगडम uh, के बाहर हो रहे हैं और किंगडम के अंदर बोथ विद इन एंड आउटसाइड द किंगडम इकोनॉमिक की बात करें जाए इकोनॉमिक में द फर्स्ट टॉपिक कम्स टैक्सेशन लैंड रेवेन्यू जो है ये मेन सोर्स था इनकम का फॉर द गवर्नमेंट वन फोर्थ और वन सिक्स जो भी प्रोड्यूस हुआ है उसके बीच में फिक्स uh, हुआ करता था डिपेंड करता कि ऑयल जो सॉयल है मिट्टी है खाद है उसकी जो फर्टिलिटी कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करता था वन फोर्थ वन फिफ्थ वन सिक्स कितना रखना है बट इट वॉज ऑलवेज बिटवीन वन फोर्थ एंड वन सिक्स अदर सोर्सेज ऑफ इनकम की बात करिए तो देवर फॉरेस्ट माइन्स गेव्स फाइन्स

चैरिटीज़ में और पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटीज़ में जैसे कि हॉस्पिटल्स बनाना और सड़कें बनाना ऑक्यूपेशंस की बात करी जाए अंडर द हेडिंग इकोनॉमी तो मोस्ट ऑफ द पीपल जो थे वो फार्मर्स हुआ करते थे लेकिन काफ़ी सारे जो थे वो आर्टिस हर्ट्समैन और कारपेंटर्स भी होते थे जो आर्मी थी वो बहुत ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय करके रखती थी आज जैसे कि गवर्नमेंट रखती थी ट्रेड जो है वो एक मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू था ट्रेडर्स जो थे देवर ऑर्गेनाइज गिल्ड समझ लो ग्रुप्स में इनलैंड्स और ओवरसीज दोनों ट्रेड जो है फ्लारिश हुई कैरवन uh, ट्रेडर जो कि लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स कैरी करते थे एक जगह से दूसरी जगह पे। uh, वो एक जगह से दूसरी जगह पे कैरी करते थे लार्ज क्वांटिटीज ऑफ गुड्स पाटलिपुत्र उज्जैनी तक्षला एंड ब्रोच वी इंपॉर्टेंट इनलैंड ट्रेडिंग सेंटर्स अंडरलाइन दिस इन योर बुक्स इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पाटलिपुत्र उज्जैनितक्षला और ब्रोच ये चार जो जगह है दे वेरी इंपॉर्टेंट इनलैंड ट्रेडिंग सेंटर्स ओवरसीज ट्रेड किसके साथ होती थी अब हम ओवरसीज की बात कर रहे हैं इट वॉज कैरिड आउट विद रोम इजिप्त चाइना एंड श्रीलंका सारे के सारे जो ट्रेडर्स थे उनको टैक्सेस और कस्टम ड्यूटीज़ पे करनी पड़ती थी डिपेंडिंग कि उनका जो सामान है गुड है वो उसकी क्या वैल्यू है क्या कीमत है सोसाइटी की अगर मैं बात करूँ तो बोथ मैगस्तीन्स और कौटिल्य जो है वो हमें मॉरन सोसाइटी के बारे में बताते हैं मैगस्थीन्स जो हैं वो हमें इंडिका जो किताब है उससे बताया है उन्होंने और कौटिल्य जो हैं उन्होंने हमें अर्थशास्त्र के थ्रू बताया है मैगस्थीन्स के अनुसार जो अपर क्लास है दैट इज़ ब्राह्मण्स की क्षत्रिया की और वैश्यास की वो अपनी प्रिविलिज पोजिशन एंजॉय करते रहे और जो लोअर वाले थे लोअर क्लास वो थोड़ा सफ़र करते रहे मॉडर्न आर्ट की बात करें तो मॉडर्न आर्ट की जो परफेक्शन है वो कब पहुंची जब अशोकाज का रें अशोका का, रे, का रेंज चल रहा था जब अशोका जो राजा थे उनका राज चल रहा था उस वक्त सुपाज स्टोन पिलर्स और मुनास्ट्रीज़ के जो रिमेन्स हैं वो रिफ़्लेक्ट करते हैं मॉडर्न क्राफ्ट्समैन की जो स्टोन है उस पर कितनी ज़्यादा अच्छी तरह से मास्टरी थी ऐसा माना जाता है कि जो अशोक है उन्होंने एट्टी फोर थाउजेंड स्तूपाज और विहाराज बनाए थे विहाराज आर नथिंग बट मोनास्ट्रीज। स्तूपास जो है वो डोम शेप स्ट्रक्चर्स होते थे होते हैं दे आर डोम स्ट्रक्चर्स जो वहां पे रिलिक्स ऑफ बुद्धा या फिर बुद्धिस्ट मॉन्क्स रखे गए हैं ठीक है मोस्ट फेमस जो स्तूपा है इट इज दी वन एट सांची आपने कहीं जगह पे सुना होगा सांची स्तूपा इट इज नियर भोपाल उसको ग्रेट स्तूपा भी कहा जाता है ठीक है मॉरन एम्पायर का कनेक्शन है जो दे देवर सराउंडेड बाय रेलिंग्स और उनमें बहुत सारे गेटवेज होते थे विहाराउस और मोनास्ट्रीज वो जगह थी जहां पर बुद्धिस्ट मॉन्क्स रहा करते थे इंपॉर्टेंट यू शुड नो अबाउट इट दे वर ऑल्सो डेकोरेटेडर स्कल्पर से वो डेकोरेटेड वो अपने आप में ही एक मार्वल है वो कार्व आउट है और मेटल लाइक पॉलिश होती है उनमें ठीक uh, है ब्यूटिफुली कार्व टॉप होते हैं जिनका नाम होता है कैपिटल जिसमें एनिमल फिगर्स होते हैं मोस्ट फेमस जो पिलर है इट इज दनाथ जिसका नाम विच इज नियर वाराणसी चार लाइन्स हमने बहुत जगह सुना होगा ये वाला ठीक है चार लाइन्स बैक टू बैक जो कि चार डायरेक्शन को फेस कर रहे हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट टॉप पे वो कांप हैं चार लाइन्स ठीक है बिलो ईस्ट हर एक लाइन के नीचे एक चक्र या फिर व्हील है ये जो लाइन कैपिटल है ये अब नेशनल एम्बलम है इंडिया का जो पिलर है एट लॉरिया नंदन नंदनगढ़ इज अनदर मास्टर पीस लॉरिया नंदनगढ़ पर एक और पिलर है विच इज वो भी एक बहुत बड़ा मास्टर है बहुत अच्छा है आ, उसमें भी एक एनिमल कैपिटल है टॉप पर ठीक है आ, डिक्लाइन की बात की जाए अबाउट द मॉरन एम्पायर जो अशोका है उनकी डेथ हुई 232 थर्टी में जो डायनेस्टी है वो और कुछ अगले 50 साल तक चली बट जो एम्पायर है वो स्ट्रॉन्ग और पावरफुल अब नहीं रहा सीज हो गया स्टॉप हो गया इतना मजबूत नहीं रहा पावरफुल नहीं रहा Uh, बहुत सारे रीज़न्स थे उसके पीछे नंबर वन इज अशोका के बाद जितने भी uh, देखो सबसे पहले थे चंद्रगुप्त मौर्य वेरी पावरफुल नेक्स्ट आए बिंदुसार वेरी पावरफुल फिर हमने पढ़ा कि अशोका आए अगैन वेरी पावरफुल उसके बाद जो भी सीरी uh, रूलर्स uh, आए वो सारे के सारे वीक थे सीरीज ऑफ वीक रूलर्स थे uh, जो जो इतना बड़ा एम्पायर था उसको ना तो वो कंट्रोल कर पाए ना तो वो मैनेज कर पाए ना ही कंसोलिडेट कर पाए अपनी जो एम्पायर था पहले से ही एम्पायर जो है वो इतना ज्यादा बड़ा हो गया था कि प्रोविंसेस जो दूर थी सेंटर uh, से जो दूर दूर प्रोविंसेस थी उनको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था वो ग्रेजुअली इंडिपेंडेंट बन गई जो एम्पायर है वो फाइनेंशियली वीक हो गया क्योंकि बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ मनी जो है आर्मी को एक बड़ी सी आर्मी को मेनटेन करने और इलेबोरेट बहुत बड़े फैंसी टाइप कह सकते हो एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में चले गए ठीक है आखिरी जो मॉडर्न रूलर था वो कौन थे ब्रेहद्रता वो एक स्मॉल एरिया को रूल करते थे 185 BCE में उनके जो कमांडर इन चीफ थे पुष्यमित्रा संगा ही किल्ड पुष्य मित्रा संगा थे कमांडर इन चीफ ऑफ द लास्ट मॉडर्न रूलर जो कि बृहद्रता थे उसको मार दिया ठीक है पुष्यमित्रा जो कि कमांडर इन चीफ थे किसके ब्रेहद्रता के उसी uh, uh, पुष्यमित्रा सिंगा ने बृहद्रता को मार दिया ही किल्ड है जिसकी वजह से मॉरन जो रूल है वो एंड हो गया सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर आई होप आपको अच्छे से चैप्टर समझ में आ गया हो एनी डाउट्स यू कैन आट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई वुड लाइक टू टेल यू वेरी रिसेंटली आई हैव स्टार्टेड एंड एट आज ऑफ यू कि uh, किसने इफ यू वॉन्ट टू स्टडी मैथ्स ऑफ क्लास सिक्स ऑन दिस चैनल मुझसे कौन कौन पढ़ना चाहता है सो आई वॉट ऑफ कमेंट्स सो वे आई एल बी बिगिनिंग विद द सीरीज ऑफ मैथ्स ऑल्सो फॉर क्लास सिक्स इफ यू डू नॉट नो लेट मी टेल यू क्लास सिक्स हिस्ट्री जोग्राफी फिजिक्स केमिस्ट्री बायलॉजी एंड नो ऑफ कोर्स मैथ्स का आपको जो भी चैप्टर पढ़ना है डू लेट मी नो इन द कॉमेंट एक्शन अगर मैंने उसको पहले से पढ़ा रखा है तो मैं आपको उसका लिंक दे दूँगी अदरवाइज अगर मैंने नहीं पढ़ा रखा है तो आई एल ट्राई वैसे मैं ट्राई करती हूँ मैं हर कमेंट का रिप्लाई करूँ एज सुन एज पॉसिबल बट कभी कभी कुछ कमेंट्स रह जाते हैं तो मैं देर से ही सही बट आई डू रिप्लाई टू ऑल ऑफ द कमेंट्स ठीक है पर्सनली तो जो नहीं पढ़ा रखा होगा आई एल इन्फॉर्म यू कि मैं कब तक पढ़ा पाऊंगी सो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल टेक केयर आई एल सी माई नेक्स्ट वीडियो